परीक्षा परिणाम को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें सोशल मीडिया पर काफ़ी है खबर, वायरल भी हो रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि BSTC का जो परीक्षा परिणाम है वो आज आने वाला। आपको बता दें यह खबर काफ़ी चल रही है और ये इस खबर का असर यहाँ तक पहुँच चुका है। आपको बता दें कि उच्च शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर इसके बारे में ऑफिशियल बयान भी जारी करना पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान दरार सोली चैनल और आपके लिए लेकर आए हैं दोपहर की बड़ी खबर। आपको बता दें और इसी के साथ आपको ले चलते हैं उस खबर की ओर जहां पर उच्च शिक्षा मंत्री ने ट्वीट करके ये बयान दिया। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम वो सभी लेटेस्ट और विश्वसनीय खबर आपको लिए लेकर आते हैं जिसमें होती है 100% सत्यता। तो दोस्तों ये है उच्च शिक्षा मंत्री जी का ट्वीट, जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया है कि BSTC प्री परीक्षा का जो परिणाम है इसके संबंध में सोशल मीडिया पर काफ़ी मैसेज वायरल हो रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि हमारी तरफ से अभी तक कोई परिणाम को लेकर के आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है और उन्होंने कहा कि विभाग की तरफ से ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है और न ही अभी आने वाले दिनों में कोई BST संबंधी परीक्षा परिणाम को जारी किया जाएगा। आपको बता दें इस मैसेज के बाद अब आप बिल्कुल आश्वस्त हो जाएं। काफ़ी कमेंट्स करके भी आप लोगों के द्वारा ये पूछा जा रहा था कि रिजल्ट कब आने वाला है, तो आपको हमारे चैनल के द्वारा पहले ही अपडेट कर दिया गया था कि 18 जून तक किसी भी हाल में रिजल्ट नहीं आएगा। अब आपको बता दें आपकी रिजल्ट की जो संभावित तिथि है वो 25 या 26 जून लगभग आप मान के चले, इससे पहले किसी भी भ्रामक खबर में ना आए। इससे पहले BSTC का रिजल्ट किसी भी हाल में नहीं आएगा। इसके लिए आपकी पुष्टि के लिए हम आपको लिए चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। तो दोस्तों ये नव भारत टाइम्स जो न्यूज़पेपर है उसकी खबर है, जो काफ़ी विश्वसनीय न्यूज़पेपर है। 11 जून ये आज की ही खबर है, जिसमें 10 बजे का टाइम भी डला हुआ। आपको बता दें कि राजस्थान BSTC रिजल्ट को लेकर अभी तक ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन माना जा रहा है कि रिजल्ट इस महीने के अंतिम सप्ताह तक जारी हो सकता है। इस रिजल्ट को आप ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आकर के देखें। तो ये बिल्कुल ये खबर भी आपकी पुष्टि कर रही है कि BSTC का जो परीक्षा परिणाम है वह जून माह के अंतिम सप्ताह से पहले किसी भी सूरत में जारी नहीं होगा। दोस्तों हम आपको बता दें कि ये राजस्थान का एकमात्र चैनल है जो BSTC और PTT के विद्यार्थियों के लिए समर्पित है। यदि आपकी किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी या समस्या है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपकी प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो दोस्तों ये थी नव भारत टाइम्स की बिल्कुल ऑफिशियल ऑथेंटिक खबर। इसी में आगे नव भारत टाइम्स की न्यूज़ में कहा गया है कि इस परीक्षा का आयोजन 26 मई को किया गया था। अब इस परीक्षा को प्री DEL एग्जाम भी कहा जाता है। परीक्षा का आयोजन का समय 2 से 5 किया गया था। इस परीक्षा को पास करने के बाद आवेदकों को राजस्थान के प्रमुख संस्थानों में DLED कोर्स में एडमिशन का मौका मिलेगा। आपको बता दें STC परीक्षा को DLED परीक्षा भी कहा जाता है। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन मार्च में किए गए थे। तो ये बड़ी खबर थी जिसको लेकर आपको बता दें काफ़ी भ्रामक खबरें फैल रही थी सोशल मीडिया पर, तो आपको बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, इसमें आपको किसी प्रकार का भ्रम सस्पिशन नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि जून के अंतिम सप्ताह से पहले रिजल्ट किसी भी सूरत में जारी नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दें इसी प्रकार की रोजगार और शिक्षा संबंधी ऑथेंटिक प्रमाणिक न्यूज प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हमारे द्वारा आने वाली प्रत्येक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए ज्ञानधारा हर्षोली चैनल को और बेल आइकन को दबाइए, ताकि लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिले।